नंबर है फोड़िया इंसान का, मेरे बहन ही उसका घर चला दीजिए, मेरा बहन ही हाई रेंज का भाड़ा भी रूम वूम लेके उसके साथ मेरा दीजिए, और मेरे बहन ही काम करके उसको पूरा खिलाती पिलाती, ईद में कपड़ा लगता सब मेरा बहन ही देती उसको। को सिर्फ एक ही सजा मिलना चाहिए, वो है फांसी। कोई उम्र कैद नहीं, कोई 2 ईयर का सेंटेंस नहीं, एक ही चीज उसको मिलना चाहिए, सिर्फ फांसी मिलना चाहिए उसको। चूड़ी पहन के बैठ के थे उस वक्त पे आप लोग, कम से कम मुझे कुछ भी करना चाहिए था। एक एक आदमी औरत को मिलके मार रहे, औरत की बच्ची को, जवान लड़की को मिलके मार रहे, कैसे इंसानों के कुछ नहीं कर सका। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं महबूब साहब सिद्दीकी। अभी कुछ देर कबल, मतलब 2 घंटा कबल, ऑलमोस्ट 7:30 लेके 8:30 के दरमियान एक्स हस्बैंड ने अपनी एक्स वाइफ का किया तेज धार चाकू के जरिए, चापर के जरिए अपनी वाइफ का कत्ल। यही इसी लेवल ऑफ कैफे में एक्स वाइफ की जो है बैठी हुई थी, और जैसा कि हमने उसके भाई से बात किया जिसका मर्डर हुआ है, उन्होंने कहा था कि हमारी सिस्टर कंटिन्यू यहाँ पर जो है कैफे में आया करती थी, और 1 हफ्ता 10 दिन कबल जो है उसका सेपरेशन हुआ था, तलाक हुआ था, डिवोर्स हुआ था, उसके पीछे से जिसने मर्डर किया है वो कंटिन्यू अपनी एक्स वाइफ को धमकी दे रहा था, वार्निंग दे रहा था, तुम बाहर निकलोगी तो हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे। आज ये घटना ये घट चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी कैफे के अंदर जो आई और कैफे जैसे बाहर निकला यहीं पर किया, उसको हमेशा हमेशा के लिए ठप कर दिया। मगर यहाँ पर कराया PS के अंदर में आता है, और एक बड़ी कामयाबी मिली है कि जिसने मारा है वो पुलिस की हिरासत में है, बॉडी के हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ पर जो है मृत्यु घोषित कर दिया गया, मौत घोषित कर दिया गया। मतलब कहने का मतलब है कि लास्ट 10-15 दिनों में कलकत्ता में कंटिन्यू मर्डर हो रहा है। इससे पहले भी हमने एक मर्डर दिखलाया था थर्सडे को, धार बगान में सबसे पहली खबर दी थी, वो मर्डर को भी दिखलाया, वो तेज धार चारू के जरिए हुआ। कल फिर राजा बाजार के अंदर में ताज होटल के सामने में जो है चापर चला, वो भी मामला आपके सामने में है। फिर यहाँ पर एक मामला हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, मुजरिम को क्या कलकत्ता पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन का डर खत्म हो गया है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक सोचने का विषय है। क्या जालिम मुजरिम इतना क्लियर हो गया है, उसको पता है क्या हम मारने के बाद हम बच जाएंगे? मगर ये कभी भी होने वाला नहीं है। आपको कानून के दायरे में सजाएं मिलेंगी, ज़रूर सजाएं मिलेंगी। आप जानते हैं कि जब मरता है मौत का जो सजा होती है वो मौत ही होती है, सारी ज़िंदगी मरना। मतलब कहने का मतलब ये है, जब हमने उसके घर वाले लड़की के घर वाले से इंक्वायरी किया तो तकरीबन 4-5 साल कबल शादी हुई थी, 10 दिन पहले डिवोर्स हो गया था, तलाक हो गया था, और जिसका मर्डर हुआ है वो लड़की के भाई साहब ने बात की कि हमारी सिस्टर जो है यहाँ पर स्कूटर के जरिए पैसा निकालने के लिए आई थी, यहाँ पर किसी कैफे में हम चाहते हैं कि कैफे को दिखाया जाए, कैफे को देख सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं ये जो कैफे जो होते हैं ना, ये तो अड्डे होते ही हैं, यहाँ पर बहुत सारे गलत अनासुर भी कैफे में आते हैं और इस किस्म के आते हैं। तो मगर एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए जो है किस तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं ये नसरुद्दीन सर हो रहा है, और ये किसी बॉस रोड की तरफ ये जाता है, एकदम चौराहे पर ये चलता है, कैफे के सामने में हुआ है, और ये किराया PS के अंदर में आता है, पुलिस के अंदर में आता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बार बार जो है मर्डर हो रहा है, बार बार हत्याएं हो रही है, बार बार जो है चापर चल रहा है, छुरी चल रहा है, जा रहे हैं। और जैसे कि हमने पता किया, ये जो लड़की है, ये जो जिसका मर्डर हुआ है वो तपसिया के रहने वाली है, तपसिया के रहने वाली थी, इनका कबल हुआ है, इनका मर्डर हुआ है। कहने का मतलब यह है कि बार बार मेरे कहने के, ये बार बार एक चीज समझाने भी चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ, क्या मुजरिम के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन का डर खत्म हो चुका है? क्या मुजरिम के अंदर में कलकत्ता पुलिस का या पुलिस महकमे का डर खत्म हो चुका है, अदालत का डर खत्म हो चुका है? क्या उसको पता है कि जब हम किसका हत्या कर रहे हैं उसके बाद जो हमारी सारी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे गुजरेंगी, तो आखिर ये मर्डर क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है? ये सारी वजूहत
एक जानने का भी विषय है। कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस को ज्यादा एक्टिव रहने की भी जरूरत है और इस किस्म के मुजरिम, पेशावर मुजरिम या दरिंदा सिफत इंसान को, क्रिमिनल माइंडेड लोगों को जेल के सलाखों के पीछे रखना पड़ेगा। अगर कोई अटेम्प्ट टू मर्डर भी करता है उसको भी कड़ी से कड़ी सजा देना पड़ेगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि कलकत्ता पुलिस को जैसे खबर लेंगे, आप जान भी सकते हैं कि शाम से कलकत्ता में बारिश भी हो रही है। बारिश के हालत में उससे सोचा होगा कि मार के निकल जाएंगे, मगर मार के निकल पाना इतना आसान नहीं है। हम अफसोस है आपके साथ जो है, आपके फैमिली के साथ जो है, आपके घर वाले के साथ जो है, सिस्टर के साथ हादसा हो गया। आपके गम में हम लोग बराबर के शरीक है, मगर क्या मामला था, क्या वजूहत थी कि आपके सिस्टर का मर्डर कर दिया गया? भाई हम लोग 4-5 दिन पहले उसका डिवोर्स करा दिया। मेरा बहन को शादी के बाद मारता था, बहुत मारता था मेरे बहन को, ठीक है। और मेरा वो एक नंबर कोड़िया इंसान था, मेरे बहन ही उसका घर चला दी थी। मेरा बहन ही हाई रेंट का भाड़ा भी रूम वूम लेके उसके साथ में रहती थी और मेरे बहन ही काम करके उसको पूरा खिलाती पिलाती, ईद में कपड़ा लगता सब मेरा बहन ही देती थी उसको। वो कोई काम का लाइक का नहीं था। और उसके बाद मेरे बहन को मारता था, बहुत मारता था मेरा बहन। घर वाला भी उसको किस किस्म की सजा मिलनी चाहिए? और कुछ नहीं मिलनी चाहिए, सजाए मौत। अगर सजाए मौत ही चाहिए उसको। आप कौन हुए जिसका मर्डर हुआ? मेरी कजन सिस्टर है, बहुत बेरहमी से मर्डर हुआ। घर की औरत लोग कोई देख नहीं पा रही, इतना गंदी तरीका से उनका, इतना बेरहमी से मर्डर हुआ। उंगली उनका पीछे से पूरा कान पूरा, बहुत गंदा तरीका से उनको मारा गया, बहुत गंदा तरीका से मारा गया। कैफे का अंदर क्या हुआ नहीं हम लोग को कुछ पता नहीं है, लेकिन किसी को कुछ एक्शन लेना चाहिए। आपको कितने बजे खबर मिली? ऑलमोस्ट कम से कम तकरीबन कोई पता नहीं, बारिश स्टार्ट हुई थी किस वक्त, 8 बजे करीब बारिश स्टार्ट हुई थी। घर में बैठ के थे, बारिश हो रही थी, अचानक से मम्मी आई, बोली कि उनको कोई मार दिया है। ये फोन मम्मी को फोन की होगी, मम्मी की रिलेटिव मम्मी को फोन किए, बोली कि आपको कोई मारा है, ठीक है, आप ही के साथ जो हॉस्पिटल लेके जा रहा है, तो उसको इन्फॉर्म किया कि मम्मी को कोई मारा है। तो फिर हम जल्दी से गए, बारिश में देखा कि वहाँ पे घर के पास कोई नहीं है। बाद में पता चला जब पीजी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, हम लोग पीजी हॉस्पिटल गए, रास्ता में पता चल रहा कि नहीं बची आपका, बहुत बुरी तरीके से। वो लड़का जिसने मारा है, वो क्या नाम था उसका? वो लड़का का नाम आरिश था, आरिश नाम दो लड़के का। आरिश बहुत बेकार, बहुत वाहियात लड़का था, आपकी का पैसा पे खाता था और कुछ करने नहीं मांगता था। इसका घर कहाँ है उस लड़के का घर का? वो लड़का के घर हम लोग के घर के थोड़े से कहाँ 24/4 कुश्तिया रोड टिप्पल्ला। उसका घर वाले लोग उसको मोटिवेट करता था कि लड़की को बोल, देखो खिलाएगी, ये करेगी, वो करेगी, सब ये सब उसका घर वाला मिलकर उसको करता था। तब जाकर लड़का का इतना हिम्मत हुआ कि आज आज ऐसा हरकत किया वो लड़का। हाँ, लड़का को सिर्फ एक ही सजा मिलना चाहिए, वो है फांसी। कोई उम्र कैद नहीं, कोई 50 ईयर का सेंटेंस नहीं, एक ही चीज उसको मिलना चाहिए, सिर्फ फांसी मिलना चाहिए उसको। लेकिन एक चीज में लाना था, इतना बाउंसर रहता है, वो जाता है बच्चा लोग को घुसने नहीं देता है। एक चीज हम जानना चाह रहे हैं कि उस वक्त आपकी सिस्टर कैफे के अंदर बैठ करके, देखिए जितना मौका है वारदात पे हम लोग थे नहीं, लेकिन आपको एक चीज बता सकते हैं, जब वो कैफे के अंदर आया ना, तो एक दो लड़का उसको बचाने का ट्राई किया, उसको पकड़ गया था, ठीक है, एक दो लड़का उसको बोला कि भाग जाओ, पता नहीं उसके बाद वो भागी बाहर में आके उसको मारा आगे कोई जगह पे, वो तो हम लोग को पता नहीं। पर कैफे के अंदर कम से कम लड़का को इतना आदमी था, मिल के पकड़ लेता तो ऐसा होता ही नहीं ना। सही बात, कैफे वाले लोग चूड़ी पहन के बैठा हुआ था, कैफे वाले पर थोड़ा ही एक्शन होना चाहिए, क्योंकि कैफे वाले सब कहाँ थे। सही बात, मतलब कैफे का एक बहुत बड़ा रोल है, मतलब ये किसी को कुछ एक्शन लेना चाहिए था कम से कम। उसके हाथ से कम कोई चापड़ छीन लेता, जो उसके पास वेपन्स था वो छीन लेता उसके पास, कम से कम ऐसा तो हादसा नहीं हो पाता ना। कैफे वाले लोग क्या है, आदमी लोग जो बैठ गए, हमको तो जो आदमी लोग जो देख रहा था मौका है वारदात के ऊपर, कैफे का ओनर मालिक कौन है, कुछ आपको नॉलेज में है? नहीं पता, वो सब मुझे नहीं पता कौन है नहीं है। और जो भी आदमी लोग मौका है वारदात में देखे, उन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग चूड़ी पहन के बैठ के थे उस वक्त पे, आप लोग कम से कम मुझे कुछ भी करना चाहिए था। एक एक आदमी औरत को मिलके मार रहा है, औरत नहीं बच्ची को, जवान लड़की को मिलके मार रहा है, कैसे इंसान लोग कुछ नहीं कर सका।
दूसरी की बहन ने अपनी बहन समझी कोई बचा बात इंसानियत के नाते से सबको आने चाहिए तो वापस सही बात लगा। हम लोग कोलकाता में रह रहे हम लोग यहाँ पे इतना यूनिटी रहता है। एक जवान लड़की को ऐसे दिन दहाड़े मार के चले गया शाम के वक्त, ना रात का समय था ना सुबह का समय था, रनिंग रास्ता पे मार के चले गया। इससे पहले और भी कोई मामला तुमला तो उसने लड़ाई झगड़ा किसी से करता था? वो एकदम बेकार लड़का था, आप ही को धमकी देते रहता था, बोलता था लेके लाएगी मार देंगे ये कर देंगे, आप ही हमको बोली। हम आप ही को अच्छा अच्छा लॉयर भी सजेस्ट किया था कि आप ही इसको रिवॉर्ड देके हटाओ, बहुत बेकार लड़का है इतना था, लेकिन ऐसा आज हो गया। माफी के साथ एक सवाल जानना चाह रहे हैं, आपकी जो सिस्टर थी वो कोई काम वगैरह भी कहीं जॉब वगैरह भी करती थी? आप ही अपना जॉब करती थी तभी तो घर चलता था उनका। अपना जॉब कौन सी कंपनी में? नहीं पता कौन सा कंपनी में आप जॉब करती थी। कंसल्टेंसी में जॉब करती थी। कंसल्टेंसी में जॉब करती थी। कितने दिनों से आप जानते हैं उनके साथ? वो जो लड़की है क्या बोलेगा वो एग्जैक्टली 4 साल से साथी में बनना चाहिए, 4 साल से उसके साथ ये हाल फिलहाल में वो अलग हुई बोले हाँ बोलिए हाल ही फिलहाल वो अलग हुई है ठीक है। उसके बाद से जब वो अलग हुई तब वो उसको 2 दिन पहले ही धमकी मिला था कि उसको जान से मार दिया जाए ठीक है। वो लड़का 2 दिन पहले ही उसको धमकी दिया था उसको जान से मार दिया जाए, मार दिया जाए 2 दिन पहले, 2 दिन पहले ठीक है। आज काम कर ये लड़का का क्रिमिनल माइंडेड टाइप का आदमी था, ये हम कैसे बता सकते? देखिए उससे तो मेरा उतना बातचीत नहीं था, हम उसको उतना जान अब जिनका मर्डर वो आपकी सिस्टर लगती है, साली आपकी साली लगती है। वो जो लड़का जो था उसका डिवोर्स हो गया था 4 साल का, रेल में रहती थी उसको लेके ठीक है। तो रेल में रहती थी लड़का बोला काम वाम नहीं कर रहा ठीक है, तो काम वाम नहीं करता तो लड़की पे लाश से आग मुड़ के खुद से काम करने लगे। जो मर्डर किया वो आपका कौन लगेगा? मेरा तो डिवोर्स से पहले झाड़ू भाई था उसने कभी तकलीफ उतनी का इजहार किया था आपकी वाइफ के साथ? ये देखिए अभी मिल गया आंखों का हाथ, ये देख रहे हैं ये शाहिद है यहाँ पर जो है वो मर्डर के वक्त में ये बंदा मौजूद था, आंखों देखा हाल फिटनेस फिटनेस को दिखाते हैं, ये फिटनेस है। कैफे से निकली पहले मारा उसका हाथ में, मारने के बाद वो दौड़ के गई गली के अंदर, अब हम लोग इतना देख गए दौड़ के मारा तो उसको चापड़ मारने लगा, चुप मार के लड़की को दो आदमी था पहले मारा तो वो पहले यहाँ से निकली, यहाँ से निकली वो सामने में पहले मारा। अब ठीक है चलिए वहाँ पर चलते हैं, कौन सी जगह? आप देख सकते हैं ये आंखों देखा हाल इन दोनों ने मर्डर करते वक्त देखा था, ये बंदा है मारते मारते गली में लेकर गली में लेकर देख गया गली में दबते लोग उसको मारने लगा, मतलब ये कैफे से निकला था? कैफे से लड़की निकली उसके बाद दो लड़का निकला, लड़की निकली उसके बाद दोनों लड़का निकला, फिर बाद में गुड्डू भाई बोल के तो था वो आया था वो आके हेल्प करने लगा, तब तक मैं लोग मार के उसको टोपी लगा गुड्डू भाई। ये ऑलमोस्ट ये कितने बजे हादसा हुआ होगा? हम टाइम उतना याद नहीं, तभी शाम का टाइम में हुआ है, मतलब सर 7-8 बजे सर ऐसे टाइम। आप उस वक्त कहाँ पर? तो हम गाड़ी धो रहे थे, गाड़ी में धो के देखा सर उस वक्त फौरन आप आए कि नहीं? यहाँ पर हम आया, हम दौड़ के आया, तब तक मैं हमको छोकड़ा बोला चले चल इधर से जा, चापड़ा लेके ऐसा करके हमको बोल रहे थे। बाकी वो उस वक्त कैफे से कोई आदमी नहीं आया बचाने के लिए? आप देख सकते हैं कि अभी मैंने आपको दिखलाया और किसके जो मर्डर हुआ है, लड़की के घर वाले ने कहा कि अगर कैफे के लोग उस वक्त खड़े नहीं होते तो मेरी सिस्टर की जान बच गई होती। ये बंदा जो है पानी धो रहा था, इन्होंने अपने आंखों देखा हाल बताया, नहीं देखा है, देखा इन्होंने देखा अपने आंखों से देखा मर्डर होते हुए, ये पहला चश्मदीद गवाह है और ये गवाह आपके सामने में मैं पेश कर रहा हूँ जिन्होंने मर्डर होते हुए देखा है, और इनको भी धमकाया गया कि तुम चलो भागो यहाँ से, मैं तो तुम्हारा भी मर्डर कर देंगे। तुम मर्डरर के साथ दो आदमी, कितना आदमी आता?
दो आदमी। आप देख सकते हैं कि इसके एक परत खुल रही है, जो मर्डरर था वो अकेला नहीं था, उसके साथ दो आदमी और भी मिला, जो इन्होंने चश्मदीद गवाह है, इन्होंने बताया कि दो आदमी और भी थे, मतलब अकेला मर्डर नहीं किया, मर्डर के साथ दो आदमी को और भी साथ में लेके आया। मगर ये देखते हैं कि अभी तक कलकत्ता पुलिस एक की गिरफ्तारी की, दूसरी की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं, तीसरे की हुई नहीं, ये भी जाँच का विषय है। और भी जब सीसीटीवी फुटेज आ गया, इसलिए इसके सामने काफी कैमरे लगे हुए, यहाँ भी कैमरा, अंदर में भी कैमरा, चारों तरफ भी कैमरा, मगर सीसीटीवी फुटेज जब तक नहीं आ जाए चालू क्यों नहीं होगा, चालू तो रखना ही पड़ेगा। ये मामला जी कैमरा हमने देखा नहीं, वो उन लोगों के पास फुटेज होगा, कैमरा तो कैफे वाले के पास होगा, जो देखा नाक से वो बोल। ये देखिए, ये पहला चश्मदीद गवाह मैं आपके सामने, मैं सरप्रस के दर्शक के सामने मैं ये पेश कर रहा हूँ। इन्होंने मर्डर होते हुए देखा, ये पानी उस तरफ से गाली धो रहे थे, जैसे मर्डर का लगा मर्डर, और मतलब चाकू चल रहा है, चाकू चलाया जा रहा, ये फौरन आए कि ये बचा लेंगे, मगर बचाने की भी कोशिश की होगी, जरूर कोशिश की, मगर इनको धमकी देने के बाद बेचारे आम इंसान है, सिविलियन है, चले गए। मगर जिस तरीके से लड़की के घर वाले ने, जिसका मर्डर हुआ उसके भाई बहन ने, जिस तरह उसके भाई बहन ने इल्जाम लगाया कि अगर ये कैफे के लोग निकल गए होते, या उसको जो मर्डर करने आया था उसके सामने जो औजार था पकड़ लिया होता, या पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होता, तो शायद उसकी बहन बच गई होती, उसकी मौत नहीं होती। जी यही ना, ऐसी नहीं होता, इतना बड़ा हादसा नहीं होता, इतना बड़ा हादसा नहीं होता। देखिए मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, मैंने जिसका मर्डर हुआ उसकी उसके भाई से बात किया, कजन से भी बात किया, प्लस उसके बहनोई से भी बात किया, बार बार जो है ये धमकी देता था, ये टॉर्चरिंग करता था। एक हफ्ता कबल जो है तलाक हुआ था, 4 साल से कबल शादी हुई थी, पूरा घर वगैरह फैमिली वगैरह को जो है ये जिनका मर्डर हुआ अपने घर का हस्बैंड का यही चलाता था, हाई रेंट पे लेकर रहती थी, सारे मामला था। ये पहला चश्मदीद गवाह है जिसने आंखों से, अपने आंखों से देखा मर्डर होते हुए। कल इनके ऊपर जिम्मेदारी, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हमने उनको बचाने की भी कोशिश की मगर बचा नहीं पाया, बहुत अफसोस की बात है, ये गिल्टी भी फील कर रहा है, इसलिए वो धमकी भी दिया, ये बेचारे आम आदमी थे ये निकल गए। मगर जहाँ पर ये बच्चा ने जिस तरीके से हिम्मत जुटाई, अगर ये कैफे के मालिक, कैफे के स्टाफ, कैफे में रहने वाले और भी जो गेस्ट आए हुए थे, अगर वो लोग बचाने की कोशिश किए होते तो शायद इसकी ये लेडी की जान बच गई होती, ये खातून की जान बच गई होती। मगर इंसान की दरिंदगी, इंसान कहाँ तक गिर चुका है कहना मुश्किल है। एक इंसान निहत्ते औरत पर, खातून पर हमला कर रहा है, सभी लोग चाय कॉफी की चुस्की लेकर के चाय पी रहे हैं, और कैफे के मालिक, कैफे के मैनेजर पैसे काट रहे हैं, मगर ये कोशिश नहीं किया कि हमारे अंदर में ये सारी चीज़ हो रही है, ऐसे कैफे को लॉकआउट कर देनी चाहिए, ताला बंद कर देनी चाहिए, यहाँ की साजिश रखी जा रही है। ये कैफे को ध्यान से देखिए, इसलिए कि अगर उसके अंदर इंसानियत होती तो फौरन कलकत्ता पुलिस को फ़ोन करता, 100 नंबर पर डायल करता। सबको पता है कि 100 नंबर डायल करने से 10 मिनट के अंदर में कलकत्ता पुलिस की टीम हेल्प के लिए फौरन आ जाती है, मगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और ये बगल में तो काफी जहाँ पुलिस के लोग जो है सामने में रहते हैं, सरगन आते हैं, ये बड़ा एरिया है, कुछ भी का हल्ला गुल्ला भी कर लिया होता तो साथ जख्मी होकर के वो औरत की बच चुकी होती। मगर अफसोस का मकाम है, ये लेवल अप वाले कैफे वाले ने कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाया, ना अच्छा सिटीजन होने की जिम्मेदारी निभाया, ना समझिए को बचाने की भी कोशिश नहीं की। मैं जितना भी तारीफ फिर इस बच्चे के चश्मदीद गवाह की वो कम है, इन्होंने भरपूर तावन की, मगर इसको जब धमकाया गया या अकेले भी क्या करता तो लास्ट में भाग गया, कहने मतलब है। अब पल पल की खबर देखते रहिए सरप्रस न्यूज का ग्राउंड रिपोर्ट। मैंने हमेशा सच्चाई को बुलंदी के साथ पेश किया है, फिर भी बुलंदी के साथ पेश कर रहा है। आप एक ही चीज मैं फिर कहना चाहता हूँ, जिस तरीका से कुछ दिनों में कलकत्ता शहर में मर्डर हुए हैं, ये चापर चला या चाकू चला है, ये कलकत्ता पुलिस के लिए भी एक लम्हा है, फिक्रिया है, ये सोचने की वजूहत है। मुजरिम को इतना शय कहाँ से मिल रहा है, मुजरिम इतना जुर्म क्यों कर रहा है, क्या पुलिस का डर कलकत्ता वासियों के अंदर, मुजरिमों के अंदर खत्म हो चुका है, क्या मुजरिम फिरार घूम रहा है, क्या मुजरिम को कोई शय देने वाला है? तो कलकत्ता पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो शहर के में जो समझिए कि ये माहौल बना हुआ है, ये दहशत, इस किस्म का दहशत फैल रहा है, इसको खत्म करना भी जरूरी है, ताकि आम इंसान, आम सारी, आम सिविलियन, आम सुकून की जिंदगी गुजार सके। आप सोच सकते हैं, एक हफ्ता कबल हमने पटवार बगान में, इससे पहले जो धार बगान में जो मर्डर हुआ वो मर्डर भी दिखलाया, कैसर स्ट्रीट का आज ये दिखला रहे, कल चापर चल गया वो दिखला रहे। आप पल पल की खबर हमारे साथ बने रहिए, हम पल पल की खबर देते रहिए, और भी उसके लोगों से बात करेंगे। जो चश्मदीद गवाह से हमने बात की थी, एक ही चीज समझ गया, उसके साथ एक दो लोग और भी थे, कोई सहयोग नहीं किया, ये यही लेवल आप कैफे में थी। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीम ग्रुप। K
K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now